शिकारी नाम है मेरा। मेरे आने की खबर से सारे जानवर अपने घर में छुपने के बजाय बाहर निकल आते हैं। मेरे प्यारे शिकार में आ रहा हूँ। मैडम जी, इस खेल में तो मैं माहिर हूँ, मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। और बनीना को खाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जिग, फिर से तूने की बेकार की जिद। छोड़ दे बनीना को, वरना मुंह की खाएगा। लो, मैंने पहले ही कहा था। मिल गया मेरा शिकार, अब तो इसे मुझसे मैं भी नहीं बचा सकता। अरे इतनी भी जल्दी क्या है जिग? पहले थोड़ा मेकअप शेकअप तो कर ले। शिकार पकड़ने के लिए चारा तो डालना ही पड़ेगा। आजकल केले के भी पैर निकल आए हैं। लगता है शिकार पकड़ में आ गया है। ये क्या है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो जा रहा हूँ घर यार। बाय बाय। बाय बाय कबाब की हड्डी चली गई। मैडम जी, मैडम जी कहाँ चली गई? इसका मतलब जिग मुझे फिर से बेवकूफ बना गया। ओए, किधर छुप के बैठा है? शेर को जैसे अकलमंदों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है यार। ओह, मुझे भूख लगी है। कम से कम मुझे तो कपकेक खाने दो। अब आया शिकार पकड़ में। ये भुक्खड़ फिर से आ गया। मैडम जी मेरी बाहों में गिरना। बड़े शिकार के लिए बड़ा लालच। ओए, तूने मेरा 2.5 किलो कहाँ देखा है ना? कितना बोलते हो यार। सॉसेज की बारिश हो रही है। यहाँ मैं पसीने से भीग रहा हूँ और तुम्हें सॉसेज की बारिश की पड़ी है। ओए सॉसेज या ट्रेडमिल, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ओए से रुक जा। लगता है इसे पकड़ने के लिए और भी बड़ा लालच देना होगा। ए, मरीना, तुम नहीं जानती आज के दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया है यार। अब आया ना शिकार जाल में। ये क्या, मैं शिकार के पीछे और शिकार लड़की के पीछे। हो गया इंतजार खत्म, एक ही झटके में तुम्हें कर लूंगा हजम। ओ, तो ये बात है, अगर शिकार को पकड़ना है तो इसका इस्तेमाल चारे की तरह करना होगा। ओए, ये सॉसेजेस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ओए जिग, छोड़ दे मैडम जी को। हो गया जिग पिंजरे के अंदर। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो शिकार को? अगर इतना मैराथन में भागते तो फर्स्ट आते। ओए इधर ला, ऑक्सीजन की जरूरत मुझे है। ओ शार्को, कब तक रेस्ट करोगे? चलो खेलते हैं। ये क्या है? फंस गई मछली जाल में। हाय, मैं हूँ शिंपू शिकारी और मैं सभी को सिखाता हूँ बंजी जंपिंग। योगी, मुझे तो ऐसे खतरनाक खेल बहुत पसंद है। तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मरीना तो नहीं मिली, कीड़े मकोड़ों से काम चलाना पड़ेगा। ये मरीना क्या कर रही है यार? ए, मरीना, खाम को तुम्हें लगा के धनिया पुदीना। अरे जिद, छोड़ दे अपने जिद, कहीं मरीना का शिकार करने के चक्कर में तो खुद ही शिकार ना बन जाए। मरीना, मैं आ रहा हूँ यार। वाह, जान जाए पर मरीना हाथ से ना जाए। वाह, मुझे तो दिन में ही तारे नजर आने लगे हैं यार। देखा मेरे छोटे से भेजे का बड़ा कमाल।
ये तो मैडम जी की आवाज है। लगता है मैडम जी किसी खतरे में है। मैडम जी ऐसे छोड़ दे मैडम जी को, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपना बम्पर ऑफर प्राइज अपने पास रखो यार, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। सिंह अब तेरा खेल खत्म। यहाँ क्या एक के ऊपर दो फ्री ऑफर चल रहा है? मुझे फ्री की चीजें पसंद नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। ओए ये क्या कर रहा है? लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। मैडम जी मैं आपको बचा लूंगा। आखिर तुम मेरे हाथों में आ ही गया और तेरा काम खत्म। तुझे पता है मैंने तुझे क्यों पकड़ा है? मेरे घर में शोपीस की जगह एक खाली पड़ी है, आज वो भर जाएगी। ओह इसकी हंसी कितनी डरावनी है। मुझे छोड़ दो यार, बचाओ। मैं इंसाफ की देवी हूँ और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। बचाओ बरखोरदार, आईना मैं चूहे का भी शिकार कभी नहीं करूँगा। उन्होंने हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लो, इसके घर की खाली जगह भी भर गई। मैडम जी मैं आपको एक गाना सुनाऊं? ये बेसुरा क्या गाएगा? अरे तुझे बोट चलाने का लाइसेंस किसने दिया यार? दोस्ती में बेसुरे भी खुद को तानसेन समझने लगते हैं। बुरा नहीं है। मीठे मीठे फल मेरी मीठी के लिए, मतलब मैडम जी के लिए। So sweet, लेकिन तुम इतना उछल क्यों रहे हो? लगता है मरीना यहीं पर है। मैंने सही सोचा था, मरीना वहीं पर है। भाई तुम फिर से भूल गए। भाई बोले तो तुम गलत जगह पर लक आजमा रहे हो। मैडम जी ये सब आपके लिए ही है। आप समझा जेग, आप नहीं चलेगी तेरी जेग। मैडम जी आपके लिए तो मैं घास में से सुई खोज लाऊंगा। ये एप्पल क्या चीज है? बता रहे हैं चिंच बोगली के महाराज फकीर चंद, इनके आने से सब रह जाते हैं दंग। पापा आपके बिना मेरे दिल का कोना सूना पड़ा था। ओ मरीना कैसी हो मेरी बच्ची? ओए जब मैं छोटा बच्चा था छोटी टोपी पहनता था, मरीना का दिल भी दहलाता था, तब इनका मुंह गलती से काला हुआ था। इनसे मुलाकात करने से पहले मैं जिग और सर्किट से मुकालात कर लेता हूँ। पापा ये है मेरे दोस्त जिग और सर्किट। हेलो सर। बोले तो महाराज की जय हो। हाउ डू यू डू सर। चलो मरीना हम भी रेत की गली पकड़ लेते हैं सर्किट। ए शार्को अब क्या लेने आए हो यार? आज दुश्मन साथ मिलकर पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। गधे ने घोड़े से दोस्ती कर ले, बुरा नहीं है। आगे शर्को हमारे झांसे में मजा आएगा अब खेल में। पेट भर जाएगा। पापा वो देखिए कितना प्यारा हिरन है। बोले तो इस रास्ते पर काम चालू है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। बेटी ये रास्ता तो इसकी शक्ल से भी भयानक है। चलो कुछ नहीं तो कुछ सही। खबरदार अपनी जगह से हिले तो। ये लो बेटी तुम्हें भूख लगी थी ना। थैंक यू। डरना नहीं मैडम जी, मैं आपको बचाऊंगा। अरे ड्रामे बाज क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है, जरा पीछे तो देख। बोले तो तू मार खाते रहो भाई, मैं मरीना को लेकर 9 to 11 हो जाता हूँ। मरीना बोले तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बोले तो ये रॉन्ग नंबर कैसे लग गया? ओ ये ले मैडम जी, जब तक मैं हूँ साथ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। सच कह रही हूँ पापा, राइडिंग में मजा आ गया। अब बचकर कहाँ जाओगे यार? तू अपने बारे में सोच। मैडम जी आपको बचाने में आ रहा हूँ। ये हमेशा काम बिगाड़ देता है।
बोलो तो अब बच के कहाँ जाएगी? पहले खुद को तो बचा ले। शार्को चाहे कुछ भी हो जाए, मरीना के सामने तेरी दाल नहीं गलने वाले। जब देखो तब नाक में दम करता रहता है, आज तेरा ही दम निकाल देता हूँ। वाह, पीस डाला यार। वाह, कितना प्यारा नजारा है। क्यों महाराज, मजा आया? मैडम जी फिक्र मत कीजिए। पीछे हटो वरना। रुक जाओ, बात को समझा करो यार, स्टोरी में थोड़ी एक्शन भी जरूरी है। वाह, इनकी स्टोरी में सिर्फ ऑडियो है, वीडियो देखना मना है। बोले तो इनकी अकल पर ताले पड़े हैं, मैं इसका फायदा उठा दूं भाई। मुझे हो तो राजा फकीरचंद जैसे, वरना ना हो। अरे बंद करो अपनी ये साउंड की दुकान। कहाँ चले गए सब? अच्छा, तो इतने प्यार से तुम दोनों लड़ाई कर रहे थे? बोला तो भाग सर्किट भाग। दोनों को बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया यार। ओए, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ आर्म शार्को। शार्को तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। मेरा पीछे छोड़ दो, आज मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला यार। जिग, मत कर जिग, चाहे तू कितना भी भाग ले, लेकिन आज उनकी पकड़ से नहीं बच पाएगा। सर, मैं आपको बचा लूंगा, आप ऊपर आने की कोशिश कीजिए। अरे ऊपर ही तो जा रहा हूँ, और कितना ऊपर जाऊं? सर जी, ये 2.5 किलो का हाथ है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। इसे क्या हो गया? इसे बचाने जाऊंगा तो मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। पापा बचाओ! अपना हाथ दो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो। पहले तो एक से परेशान था, अब दोनों से कैसे निपटेगा? जिग, अब तेरा क्या होगा रे? अब मेरा बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है यार। मुंह ललचाए, अब खाए बिना रहा ना जाए। इतनी भी जल्दी क्या है जिग? थोड़ा सॉस भी लगा ले। ये इसका प्लान था, मेरा नहीं। जिग, मैंने पहले ही कहा था, अब तुझे मिलेगा डबल डोज। तुम काफी मजाकिए हो। अभी मेरे दिल में एक ख्याल आया है, जैसे तुमको बनाया गया है एक दूजे के लिए। योकी, ये क्या बकवास है? दिल पे मत लेना, उसे मजाक करने की आदत है। चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये चिड़िया वन वे में कहां घुसी चली आ रही है? कहीं मेरे हाथों से इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं ये अनर्थ देख नहीं पाऊंगा। मत देख, क्योंकि इसके बाद तू देखने के लिए खुद नहीं बचेगा। बोले तो आज ऊपर वाई ने छप्पर फाड़ के क्या दिया भाई? सर्किट, तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बोले तो भाई कुछ समझे? समझ गया। वाओ, मैंने कितना प्यारा हार बनाया है। बोले तो मरीना उस नकली हार में क्या रखा है? असली हार तो यहाँ है भाई। सर्किट, इतना महंगा हार तुम्हें कहाँ से मिला? इसे पहन के तो मैं पार्टी में जाऊंगी। अरे पार्टी तो यही है,
आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बोले तो मेरा काम तो हो गया। अच्छा तो हम निकलते हैं भाई। लो शुरू हो गई डांस पार्टी। यो यो शर्को सिंह, यो 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 टर्न बड़ी। शा मामा शो मामा ला समोसा, कल के दोस्तों का क्या है भरोसा। मस्ती में नाचो घूमो धूम मचाओ। ओए पापा ये देखो रैप सिंगर की छठी औलाद। बोले तो ऑल द बेस्ट भाई। युकी ये क्या हो रहा है? मैडम जी, मैडम जी कहाँ चले गई? अरे जिग मैडम जी को खा रहा है। आजकल तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है, तेरी ही जुबान से तुझे ठिकाने लगाता हूँ। पेट की डिमांड पूरा करते करते मुंह से जुबान बाहर आ गई, इसलिए कहता हूँ जिग अब तो छोड़ दे। जिग देखता हूँ बीच पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। मरीना कैसी लगी मेरी नई कॉस्ट्यूम? अब तो चलोगी ना मेरे साथ? हाँ मैं भी प्रिंसेस बन के आती हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मीठी तंदूरी चिकन जैसी, फंस गए चिड़िया जाल में। भाई उसे गोद में उठा लो भाई। संभाल कर जेक, मुझे उठाने के चक्कर में कहीं तुम्हें ही उठाने की जरूरत ना पड़ जाए। जेक फिर से मैडम जी को बहला फुसला कर ले जा रहा है। जिग मैं आ रहा हूँ। मिल गई मुझे मरीना। ये कहाँ से बीच में आ गया यार? जिग अब मुश्किल है तेरा जीना। शार को ये मत भूलो तुम एक राजकुमार से बात कर रहे हो यार। सिपाहियों आक्रमण। भाई लूटी हुई सल्तनत के भीख मांगे राजकुमार, पहले अपनी शक्ल आईने में देख। ये रैप म्यूजिक सुन के मुझे नींद आ रही है। मैडम जी सोते हुए कितनी अच्छी। और ये क्या हो रहा है? सर्किट ये तो क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? कोई से रोको। चार को हाथ पांव मारना बंद कर और अपनी बॉडी को पंछी की तरह फ्लेक्सिबल कर ले। इसके चक्कर में मेरी हड्डियां टूट गई भाई। चार को और एक स्ट्रोक, मैच खत्म। शार्को बाय बाय, मैं मरीना को ले जाऊंगा और तुम करते रहना चौकीदारी। लो सारी दुनिया का बोझ यह उठाता है, इसे लाइफ गार्ड नहीं बल्कि कूली होना चाहिए था। शार्को बेचारा अपने कंधों पर कितना बोझ उठा रखा है, इसे भी उठा लो यार। इसकी ही कमी थी। मैडम जी मैं आपको बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। आइडिया। मरीना ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये तो मैग्नेट है। अरे वाह मरीना चूल्हा जल चुका है यार। तुझे क्या लगा था जेग मैं वापस नहीं आऊंगा? ओए इतनी आसानी से मैं मरीना को जाने नहीं दूंगा यार। ओ जिग अब तुझे तेरी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ये ले ये ले ये भी ले। अपने ही बुने जाल में खुद ही फंस गया। अब ऐसे ही लटके के रहना। चलिए मैडम जी प्लीज। मेरे मामा कहते थे जान जाए पर जिद ना छूटे। देखता हूँ तुम मरीना को कैसे ले जाते हो यार। अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया है। मैंने बहुत लड़ाइयाँ देखी लेकिन मैग्नेट लड़ाई पहली बार देख रहा हो। मैडम जी खेलने में बिजी है, मुझे उन्हें बचाना होगा। मैडम जी ये जगह अनसेफ है, आपको सेफ जगह पर छोड़ता हूँ। अरे बंद कर दो यह जंग, इतिहास गवाह है। जब जब बड़ी बड़ी जंगें हुई है तब तब हर तरफ तबाही और सिर्फ बर्बादी ही छाई है।
दांत। मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़ाई से नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मरीना को कुछ मिला है। युकी, ये क्या है? ये तो बहुत सुंदर पिलर है। इसे मैं अपने कबर पर लगाऊंगी। ज़िग और शार्क को पिलर है ना मजेदार। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल गया, लगाओ। इस वक्त कौन आया? ये तो मेरी बचपन की सहेलियाँ रंगी जिंगी पिंकी हैं। हेलो, कैसी हो तुम सब? हम यहाँ कराटे चैंपियन ब्रूसली से मिलने आए हैं। दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सोचा वरना ब्रूसली आके पकाएगा मतलब पीटेगा। कैसी लगी मेरी एंट्री? बहुत अच्छी। ये मुंह और मसूर की दाल। हमारे कराटे क्लासेस में आप सबका स्वागत है। क्लासेस गए काम से? लकड़ियों, मेरा मतलब है लड़कियों, मैं तुम्हें दुश्मनों से कैसे निपटना है ये सिखाऊंगा। मरीना के घर से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज। मान लो रास्ते में तुम्हें कोई भी छेड़े या किसी तरह से परेशान करे तब क्या तुम ऐसे ही डर के मारे इधर उधर भागोगी? वाओ, एक के साथ तीन फ्री। मेरी तो लॉटरी लग गई है यार। डोनट, तंदूरी, बर्गर और आइसक्रीम भी। सोच कर ही मुंह में पानी आ गया यार। जेग, फिर से करने लगा जेग। हर बार की तरह इस बार भी तू मुंह की खाएगा। हम नहीं तो हमारी डमी ही सही। ये शार को यहाँ क्या कर रहा है यार? पहला सबक, दुश्मन सामने आए तो शेर बनो। मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूँ। उसके सामने पहले भोले बनने का नाटक करो और एक लात मारो, फिर उसका काम तमाम। देखा, दुश्मन एक ही झटके में खलास। मेरे क्लास के चलते इनकी अलग ही क्लास शुरू हो गई। जरा देखो तो क्या है इसमें? मेरी पर्सनल तस्वीरें। मैडम जी, क्लास खत्म होने के बाद अपना मोबाइल ले लेना। खाया पिया कुछ नहीं, मुंह फूटा बाराना। दूसरा सबक, हमेशा चील की तरह नजर तेज रखो। गौर से उसकी आंखों में देखो और मौका मिलते ही उसकी आंखों में आइसक्रीम झोंक दो और फिर उसे उठा के घर के बाहर जाके यूं फेंक दो। दुश्मन फिनिश। मैं इन्हें बचना सिखा रहा हूँ और ये किटी पार्टी करने में लगी हुई है। आज तो मैं दावत मनाऊंगा यार। मजा आ गया। मैडम जी, ये सब मेरे क्लास में नहीं चलेगा। इसे कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। थैंक यू अंकल, आज तो फ्री की आइसक्रीम मिल गई। तीसरा सबक, मेरी तरह तेज बनो। हम तुम्हारी तरह कैसे बनेंगे? मैडम जी, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मेरी तरह दुश्मन पर हमला करो। कल की पार्टी में हम अपना ही ड्रेस कोड रखेंगे। अब चाहो तो तुम भी आ सकते हो शार को। तुमने बुलाया और मैं चलाया है मरीना। ये क्या, पहले एक शार्को से परेशान था, यहाँ तो चार चार शार्को है यार। कोई मुझे बचाओ। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है और ये है तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल। ये शार को आखिर कर क्या रहा है यार? चुकी, चलो सहेलियों अंदर जाके ऐश करेंगे। ओ मरीना, तुम्हें खा के मैं भी ऐश करूंगा यार। ओए, ये बिना दूध के खीर यहाँ क्या कर रहा है? गर्ल्स, समझो ये तुम्हारी जिंदगी का इम्तिहान है। अब देखते हैं कौन पास होता है और कौन फेल। जो डर गया वो घर गया। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। वाह, इसे कहते हैं हिम्मत है मरीना, तो मदद करेगा ऊपर वाला। ओए, कहाँ गया वो? मेरी बिल्ली मुझे से मैं हूँ, मैं भी खतरों का खिलाड़ी हूँ, किसी के सामने नहीं झुकता। तू तो फिर एक डमी है। काम खत्म, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, ये तो काफी खतरनाक मोड़ है।
इससे भी खतरनाक मैं हूँ यार। इससे तो निपट लोगी, लेकिन मुझसे कैसे बचोगी? लो, गया जग पानी में। आइडिया, चलो मेरे साथ। काफी लोग रास्ते में टांग अड़ाते हैं, उनसे बचकर आगे निकलने को ही जिंदगी कहते हैं। बुरा नहीं है। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सारे बंदर। तेरी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, उसे ही काट डालता हूँ। और रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। योगी, ये बसंतीन डमीज के सामने हार नहीं मानेगी। अपनी नजरें चौकन्नी रखो, देखा ना तुमने। चलो एक एक करके तुम भी आ जाओ। ओ मरीना, तुम बुलावर हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है भला? आखिरकार मैं जीत गया है यार। अरे यार, वो हमारी मरीना को लेकर भाग गया। हमें उसे बचाना होगा। ये क्या, हमने मुश्किल राउंड पार कर लिया। मरीना, मैं तुझे तंदूरी बना के शेजवान सॉस लगा के खाऊंगा यार। इससे पहले तू हमारे हाथों से मार खाएगा। चलो फ्रेंड्स। जेड, छोड़ दे जेड, क्योंकि ये शार्क से भी भयानक है। तेरी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये क्या चीज है यार? बचो! इडियट, हमसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चल तुझे बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। वाह, शार्कों का सिखाया सबक काम आ गया। थैंक यू अंकल, ऐसे ही मिलते रहना। हाय मरीना, अब तुम खतरे से बाहर हो। बाजी तो बंदी है। मैं तेरे अंदर पंजे ढीले कर दूंगा। पापा, इसे मारते मारते मैं थक गया। हम जीत गए, हमने कर दिखाया। ट्रिपल शेजवान बर्गर खाने में मजा आएगा यार। हिम्मत और बहादुरी से एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू मरीना। मुझे मेडल नहीं मिला। ओह, थैंक यू शार्को। योगी, तुम्हारे बहुत याद आएगी फ्रेंड्स।